ऑलवेज अ फ्री बर्ड. क्या बात है मैडम, टैटू तो काफी अच्छा बना है, पर अब तुम फ्री बर्ड कहाँ? तुम तो मुझसे बंध चुकी हो. मुझे कोई नहीं बांध सकता, मरते दम तक मैं फ्री बर्ड ही रहूंगी. प्रीति बेटा. हाँ पापा. ये देख, ये शादी के कार्ड्स के डिजाइन्स के प्रिंटआउट्स हैं. हरी. वो अक्षय वीडियो कॉल पे. जैसी कृष्ण. अक्षय बेटा, घरे बता केम छे? घरे बता मजा मा, तमे केम छो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, और ये प्रीति शॉपिंग में. अरे पापा, एक अच्छी बात याद दिलाई, मुझे ना ज्वेलर के पास जाना है, एक बाजूबंद ठीक करवाने देना है. चल अक्षय, बाय. मेरे को रेडी होना है ना. बाय. बाय पापा. मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ. बेटा, तारी माँ तो ना थी, पर मेरा तो फर्ज बनता है तुझे पूछने का. तू खुश तो छे ना? शू पापा, आप भी ना हिंदी फिल्मों के टिपिकल पापा वाला सवाल पूछ रहे हो. फिर भी आपकी तसल्ली. ऑफ कोर्स, आई एम वेरी हैप्पी. चल अब जल्दी से तैयार हो जा और कर ले जी भर के शॉपिंग. ये ले, सब में बांट दियो. हाँ, मैं अपना ले चुकी हूँ, अभी चलती है मैं. ए पद्मा, संभल के जाना. हाँ, जमाना बड़ा खराब है. चलो रे, चलो. देव, अभी तैयारी थी गई? पप्पा, सामान तो सारा आ गया, कुछ यहाँ रखा है, बाकी बाहर टेम्पो से उतर रहा है. अपन छुटपुट चीजों का खर्चा ही 22 लाख हो चुका है. बेटा, लगन में तो खर्चो था. ठीक छे. शू ठीक छे पापा? इनमें से कोई भी सामान प्रीति अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर नहीं जाने वाली, फिर हम क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? पापा, हमें ना थोड़ा संभल के खर्चा करना चाहिए. देखिए, अभी भी इनमें से 4-5 लाख बच सकता है. आप कहते हैं तो मैं खर्चा कम कर देता हूँ. पापा, अपना डेबिट कार्ड दो ना, वो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स खत्म हो गई. अगर ज्वेलर के पास मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं खरीद लूंगी. करो खर्चा, दुल्हन को कौन मना कर सकता है? देव भाई, मैंने पप्पा का डेबिट कार्ड मांगा है, आपका नहीं. प्रीति, एक ही बात है, पप्पा का पैसा मेरा भी पैसा है. मेरा भी तो है. तो इसका क्या मतलब हुआ? सारा पैसा उड़ा दो, अपने पास तो कुछ रखो मत. मैंने नहीं. तुम लोग क्यों इतना झगड़ रहे हो? ले बेटा कार्ड, पिन तो याद है ना? हाँ पप्पा. अभी तुझे कितनी बार समझाया तुम्हारी मन में खाकर. रुक, तुझे मैं बताती हूँ. ए, अंदर कहाँ घुस रही हो? जगदी भाई, देखो ना, अभी ने मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया. और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो बाहर, चलो बाहर. पर छोटी सी बात पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है. लॉन्ड्री का बिल भेज देना, पैसे दे देंगे तुम्हारे. जगदी भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? उसकी इस हरकत में शर्मिंदा होने की बजाय आप मुझे तेवर दिखा रहे हो. थोड़ा मैनर सिखाओ इसे. तू इधर आ. तमीज का लेक्चर है ना, अपने घर वालों को सुनाना. बदतमीज और बी ग्रेड टाइप के लोग तुम्हारे घर पर पड़े हुए हैं. देखो जगदीप बेटा, मुझे मत सिखाओ. अरे सुनो, तू तो बीच में बोली मत भरना. बहुत अच्छे संस्कार सिखा रहे हो आप अपने बेटे को. पड़ोसियों को तंग करना, बुजुर्गों से तमीज से पेश ना आना, अपनी बीवी पर चिल्लाना, पता नहीं ये सब देखकर तो क्या ही बनेगा आपका बेटा. ए प्रीति, तू निकल इधर से. एक शब्द भी अगर मुंह से निकालना तो भूल जाऊंगा कि तू लड़की है करके. जगदीप भाई, ए मेरी बहन से अच्छे से बात करो तुम. तू तो साले बीच में बोली मत भरना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं. मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. ऊपर देखो. बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी. अब अगर तुम लोगों की वजह से हमें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा. समझ में आई? हाथ नहीं लगाने का मेरे को. तो लात लगाऊं?
हाथ नहीं लगाने मुझको। पैसे दे मेरे। कीड़ा पड़ेगी तेरे पे, नरक में जाएगा तू, ये पद्मा की जुबान है, देख लेना। पीठ पे गोली मारी गई है। विक्टिम का नाम प्रीति कोटारी, इसका घर यहीं थोड़ी दूरी पे है। इसके एक पड़ोसी ने इसके बॉडी को पहचाना, किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। किसी ने गोली चलाने वाले को देखा? नहीं सर, लेकिन ये पता चला कि इसकी शादी 15 दिनों में होने वाली थी। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और आसपास जहाँ जहाँ सीसीटीवी है, पिछले 2 घंटे की पूरी फुटेज चेक करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी, संभालिए अपने आप को। किसी के साथ कोई झगड़ा, दुश्मनी आप लोगों की या प्रीति की? जी सर, जब प्रीति यहाँ से ज्वेलरी शॉप जाने के लिए निकल रही थी, जगदीप से उसका झगड़ा हुआ था। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अब अगर तुम लोगों की वजह से हमें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। जगदीप कहाँ रहता है? जगदीप सर, सर प्रीति से मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ नया नहीं बोल रहा है तू? हर मुजरिम शुरू के कुछ मिनटों तक यही बोलता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, पर यकीन मान मेरा, उसका ये झूठ कुछ मिनटों का ही होता है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मैंने ये तो माना है कि उसके परिवार के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन जिस समय ये घटना घटी मैं ऑफिस में था सर। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हो। प्रीति के परिवार से किस बात को लेकर दुश्मनी थी तेरी? सर, प्रीति के पापा जयेश कोठारी और हम एक ही गांव से हैं, पटीदार है वो हमारे। सर सालों से दुश्मनी चल रही है, यूं समझ लीजिए कि विरासत में मिली है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रीति का मर्डर करके मैं अपनी जिंदगी खुद खराब करूंगा। झूठ मत बोल, सीधा लाइन पे आ। बोले सर, मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रूबी, ओ भूमि, इधर को आ। अरे तूने पद्मा को देखा के? पद्मा, और उसका पूरा मुंह सूज गया। सुंदर चेहरा बिगाड़ दिया, लेकिन मैं उसको सबक सिखाएगी, बताएगी मैं उसको कि पद्मा क्या चीज है, छोड़ेगी नहीं मैं उसको, टेलर दिखाएगी मैं उसको। सर, बुलेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हुआ है कि प्रीति के पीठ पे गोली चलाई गई थी। 0.9 mm कैलिबर की बुलेट, तो बुलेट मैक्सिमम 10 मीटर के डिस्टेंस से चलाई गई थी। क्राइम सीन के आसपास हमने अच्छे से सर्च किया, लेकिन हमें बुलेट का कार्ट्रिज नहीं मिला। कातिल काफी माहिर लगता है, खुलेआम लड़की पे गोली चलाई और भागने से पहले कार्ट्रिज उठाना नहीं भूला। हो सकता है किसी पेशेवर का काम, प्रीति को मारने के लिए सुपारी दी गई हो। मेहता, सभी हिस्ट्री शीटर्स को ग्रिल करो, शुरुआत उनसे करो जो अभी 1-2 महीना पहले बेल पे छूट। सर, और इस जगदीप कोठारी को भी खंगालो। तो वैसे इस प्रीति की शादी 15 दिनों में होने वाली थी, हो सकता है किसी दिल जली आशिक का काम, कोई अफेयर, कोई ब्रेकअप। बात अगर अफेयर और ब्रेकअप की है, तो प्रीति के फादर और भाई से ज्यादा प्रीति के दोस्त जानते होंगे। प्रीति के दोस्तों को भी टटोलो। सर, सर मैं प्रीति को 2 साल से जानती थी और हमने एक साथ ही ये कंपनी ज्वाइन की थी, और जहाँ तक मुझे पता है अक्षय से सगाई के बाद वो काफ़ी खुश थी सर, शी वॉज वेरी हैप्पी। इन 2 सालों में प्रीति की जिंदगी में कोई और लड़का आया था? नहीं सर, प्रीति काफ़ी क्लियर थी, वो लव मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट इसमें बिलीव नहीं करती थी। लेकिन हाँ सर, कुछ महीने पहले मुझे उसने एक बात बताई थी। प्रीति, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मनीष, बोलना। वो मैं कह रहा था कि हम डिनर के लिए बाहर चलें। जा सकते हैं, बस मेरा काम थोड़ी देर में खत्म होने वाला है,
एक काम कर, तू वरुण, ऋषभ और रचना से भी पूछ लेना तब तक। अब, मेरा मतलब था कि सिर्फ हम दोनों। प्रीति ने मनीष को ना कह दिया था सर, और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। कि मनीष अब कहाँ है? वो अपनी क्लाइंट विजिट के लिए बैंगलोर गया है सर। उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? यस सर, मैं अभी लाती हूँ। मनीष अग्रवाल, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड से कॉलिंग मिला? नहीं सर, इनफैक्ट उन दोनों के बीच बहुत कम कॉल्स हुए हैं और कभी 3-4 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई। प्रीति की सबसे ज्यादा बातें अपने मंगेतर अक्षय और सहेली रचना से होती थी। इन दोनों की भी डिटेल्स निकालो सर। ओए, उठ जा, चल तेरे लिए चाय नाश्ता रेडी है, कितनी देर सोएगा रे। चल जा, जल्दी तैयार हो जा। आज ना मैं तेरा मन पसंद ढोकला बनाया है, पेट भर के खाएगा और देखना तू। अरे नितेश कहाँ जा रहा है? आता। अरे लेकिन नाश्ता तो कर जा, सुन ना। उसके लिए इतना प्यार से नाश्ता बनाई, लेकिन उसको कुछ खा। किधर है तेरा लौंडा नितेश? निकाल बाहर उसको। हाँ, मुझको मार के अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। हाँ, बाहर निकाल उसको, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। और उसके साथ क्या कर रही है तू? देख पद्मा, ये सब नौटंकी ना यहाँ मत कर, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना, जा अभी। नहीं जाएगी मैं। अरे भाई लोगों, इसके बेटे ने मेरा पैसा लूटा, मारा मुझको, जाएगी ना मैं, इधर ही बैठेगी मैं धरने पे, इधर ही। अरे नलनी देवी, हाय हाय, निकल मेरा पैसा, हाय हाय, इसका बेटा, हाय हाय, निकल मेरा पैसा। हाथ जोड़ती हूँ, तू जा ना अभी। मैं किधर ही नहीं जाएगी, मैं इधर ही धरने पे बैठेगी। तू क्या करे, क्यों तमाशा करिए, जा ना अभी। आधा काम हो गया, आधा बाकी, वो भी जल्दी हो जाएगा। जो भी करना है जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। फिक्र मत करो, इतना सब कुछ कर चुका हूँ, उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। अब हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। पैसे मिल गए ना? हाँ, 1,20,000 मिल गए। चेहरे को बहुत ही बुरी तरह कुचला गया है उस पत्थर से। इसके ड्राइविंग लाइसेंस से इसकी पहचान हुई। इसका नाम अनिल चुदासमा है, उनकी पत्नी मीता चुदासमा। 1,20,000 बीसी का पैसा लेकर आ रहे थे, मेरे भाई को पैसे की बहुत जरूरत थी। और इनके हाथ में एक सोने की ब्रेसलेट भी थी जो अब गायब है। इनकी दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। 1,20,000 और एक सोने की ब्रेसलेट के लिए कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? सर एक बात और,
ये 1,20,000 लेके जा रहा था, इसकी बीवी के अलावा सिर्फ इसके बीसी के मेंबर्स जानते थे। बीसी कौन चला रहा था? प्रफुल्ल पारेख। प्रफुल्ल पारेख को पुलिस स्टेशन बुला। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। प्रीति कोठारी केस की क्या रिपोर्ट है? सर, पिछले दो महीनों में जितने भी हिस्ट्री शीट बेल पे बाहर निकले उन्हें हमने कंगाला, लेकिन भनक तक नहीं लगी कि ये कांड किसने किया है। हो सकता है कातिल गुजरात के बाहर से बुलाया गया है। मेहता, प्रीति के केस की डिटेल्स महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस के साथ शेयर करो। अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर, ये रहे बीसी के सारे मेंबर्स के नाम और नंबर्स। अनिल की इनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी का तो पता नहीं, पर अनिल भाई की सोच एकदम अलग थी। मेरा मानना ये है कि व्यापार हमेशा प्यार से होना चाहिए, पर अनिल भाई सर, अभी आपने कहा कि अनिल की सोच बिल्कुल अलग थी, ये अलग से क्या मतलब है आपका? एक्सप्लेन करेंगे? क्या बताऊं साहब, ऐसे मरने वाले की बुराई तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो पैसे को ना जान से ज्यादा मानते थे, और एंड में क्या हुआ, जान भी गई और पैसा भी, वो भी इतनी बेरहमी से। सर लेकिन एक मिनट सर, मर्डर वाले दिन 13 सितंबर को ज्वेलरी शॉप से लेकर प्रीति के घर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए सर, उसमें एक जगह मनीष प्रीति के साथ कैप्चर हुआ है। लगता है मिलना पड़ेगा इस मनीष अग्रवाल से। हाँ सर, मैं प्रीति से मिला था और मैंने उसे बोला था कि क्या वो मेरे साथ कॉफी पीने चलेगी। काश उस दिन उसने मेरी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। अगर उस दिन उसने तुम्हारी बात मान ली होती, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो जिंदा होती, राइट? सर, हम लोग मिलेनियल्स हैं, प्रपोजल रिजेक्ट होने की बात को ईगो इशू नहीं बनाते हैं। सर, प्रीति मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन सर उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया था कि वो मुझे मना क्यों कर रही है। देख मनीष, मैं ना तेरी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, पर मैं ये लव मैरिज, प्यार व्यार, सोलमेट्स, इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं तुझे पसंद ज़रूर करती हूँ, पर एज अ फ्रेंड, नथिंग एल्स। और शादी, शादी तो मैं अपनी फैमिली की मर्जी से ही करना चाहती हूँ। और सर, जब प्रीति की सगाई अक्षय के साथ हुई थी तब भी मैं बहुत खुश था, मैं दिल से खुश था सर। मुझे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं था कि उसने मुझे छोड़कर अक्षय को चुना। मैं तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में हम कुछ मिस कर रहे हैं। इस केस की नस हमारे हाथ नहीं आ रही है। I'm sure, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। जितेश, अंतरराज्य कोई ऐसी हालत में देख लेगा ना और चार बातें करेगा। क्या है ये, कहाँ था तू? हाँ, संभाल बेटा, संभाल, ठीक है? पूरी रात गायब रहता ये लड़का, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस लड़के से, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ठीक है, ये ले पानी, पानी पी, ये ले, अरे पी ना, ठीक है? कहाँ था तू? कहाँ था पूरी रात, कहाँ था तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, दिन भर नशा करते हैं सारे, मुझसे में सबसे लड़ते रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे संभालूं तुझे, मैं थक गई। हेलो सर, दिस इज अक्षय हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सर, आई एम प्रीतिस फियांसी। ओह हाँ हाँ, यस यस, बोलो अक्षय। सर, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। ये क्या बदतमीजी है, ये मुझे यहाँ पर क्यों ले? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे तो आपने मुझे ही मेरी बहन के कत्ल में फंसाने का प्लान बना लिया है। प्लान हमने नहीं, तुमने बनाया था, ताकि तुम्हें हाईवे वाली 5 करोड़ की जमीन गंवानी ना पड़े। हाँ सर, ये बात सच, मुझे वो जमीन चाहिए थी, लेकिन मेरे पापा वो जमीन मेरी बहन प्रीति और उसके उन वाले पति को देना चाहते, बस। पर अब तो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ भी कहो, तुम्हें 5 करोड़ का फायदा हुआ है ना? इंस्पेक्टर साहब, अपनी हद में रहिए आप, आपके से चोर चक्के से बात नहीं करने, एक शरीफ इज्जतदार आदमी से बात कर रहे हैं आप, एक भाई से बात कर रहे हैं जिसने अपनी बहन खोई है, और आप लोग उसके कातिल को ढूंढने में नाकामयाब साबित हुए। केस को धरने से अच्छा आप ये मान लीजिए ना कि आपकी पुलिस किसी काम की नहीं है, ताकि मैं खुद अपनी मेहनत से अपनी बहन के कातिल को ढूंढ के निकालूं और अपने हिसाब से सजा दूं उसको।
अभी आपको हो गया तो क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? नजर रखो इस पे, चिल्लाने से सच दब नहीं जाता। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है मारे। पत्थर से कुचलने से पहले विक्टिम के सर पर किसी भारी लोहे की चीज से वार किया गया होगा। क्या ये हथौड़ी जैसी कोई चीज हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गन को एज अ वेपन की तरह यूज किया गया होगा। यानी कातिल के पास गन थी लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। क्या हो सकता है कातिल ने गन चलाई हो और गन चली ना हो, इसी वजह से कातिल ने गन की पट से वार किए इसके सर पर? क्वाइट पॉसिबल। समझ में नहीं आ रहा है कातिल ने इतनी बेरहमी से मारा है अनिल को, कातिल का मकसद क्या? सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीति और अनिल दोनों के केसेस कनेक्टेड हैं। कैसे? प्रीति को गोली मारी गई, अनिल को गन की बट से मारा गया, फिर उसका सर कुछ लगा। जी सर, लेकिन दोनों केसेस में गन का प्रेजेंस है। हालांकि जैसे आपने कहा अनिल के केस में शायद गन चली ना हो, लेकिन सर अनिल का गोल्ड ब्रेसलेट और पैसे गायब थे और प्रीति भी ज्वेलरी शॉप से निकली थी। लेकिन ज्वेलरी शॉप से पता चला है कि प्रीति ने उस दिन ज्वेलरी खरीदी नहीं थी, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी, ना ही ज्यादा पैसे थे। इन दोनों केसेस को लिंक करें अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। मेहता, प्रीति और अनिल इन दोनों केसेस को रिविजिट करो, शायद कोई कॉमन लिंक हाथ लग जाए, जैसा कि तुम्हें अंदेशा है। सर प्रीति और अनिल के मर्डर केसेस के बीच का कॉमन लिंक मिल गया, जगदीप कोठारी। जगदीप कोठारी? कनेक्शन तेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तू और अनिल एक ही बीसी में पैसे भरते, प्रीति के परिवार के साथ तेरी पाटीदारी वाली दुश्मनी है और दोनों का मर्डर हो जाता है। सर ये इत्तेफाक है सर। इत्तेफाक? प्रीति के परिवार के साथ तेरी पुरानी दुश्मनी थी, जिस दिन प्रीति के साथ तेरा झगड़ा होता है इत्तेफाक से उसी दिन प्रीति का मर्डर हो जाता है। जिस बीसी में अनिल पैसे भरता है इत्तेफाक से तू भी उसी बीसी में पैसे भरता है। जिस दिन अनिल बीसी के पैसे उठाता है इत्तेफाक से तू भी वहीं मौजूद होता है। तुझे पैसे उठाने का मौका नहीं मिलता, गुस्सा आता है तुझे, और जिस समय अनिल बीसी के पैसे लेकर जा रहा होता है इत्तेफाक से अनिल का मर्डर हो जाता है। सर ये सच में इत्तेफाक है सर। हाँ लेकिन सर जिस दिन अनिल ने बीसी के पैसे उठाए उस दिन प्रफुल्ल की और अनिल की बहस हुई थी, ना कि मेरी। कैसी बहस? हमारे बीच जाना लॉस अपना 30,000 से लॉस से मेरा 50,000 ठीक है 80,000 मेरा धंधे में लॉस जा रहा है अनिल भाई, मुझे जरूरत है प्लीज। जरूरत सबकी होती है प्रफुल्ल। अनिल भाई प्लीज आप। अरे प्रफुल्ल धंधे में जाया दिखाऊंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा? सारे जवाब पहले से सोच के आया था ना सर। अगर आपको मेरे बात का यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे बीसी होल्डर से कंफर्म कर सकते हैं। वो तो करेंगे। हर बार मुझे लग रहा है कि ये जगदीप हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, जाने दो इसको, नजर रखो इस पर और इसकी पूरी डिटेल्स निकालो और प्रफुल्ल को भी बुलाओ। एक तो उसने आधी बात बताई है और आधी बात की भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। सर प्रफुल्ल जी हाँ? उस दिन आपने अनिल की सोच पे काफी रोशनी डाली थी लेकिन आपने इस बात को अंधेरे में ही रखा कि जिस दिन बीसी खुलने वाली थी उस दिन बीसी को लेकर अनिल से आपकी बहस हुई थी, आपको गुस्सा आया और आपने अनिल की हत्या कर दी। आंसू बोलो सर। साहब मैंने अनिल को नहीं मारा, इतनी सी बात के लिए मैं मर्डर थोड़ी करूंगा। लेकिन इतनी सी ही बात आपने हमसे छुपाई थी। छुपाई थी नहीं साहब, बताना जरूरी नहीं समझा। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, जो जो बात तूने हमसे बतानी जरूरी नहीं समझी अब बता दे। साहब सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं छुपाया, माता जी ना सम। इस लड़की को पहचानता है? नहीं साहब, कौन सी झोकरी। उन दोनों केसेस के फाइल मेरे टेबल पर रख दो। हाँ सोनू बोल। आप एक गर्मा गर्म खबर है। हाँ तो ठंडी होने से पहले जल्दी बता। आप जगदीप की बहन एकता एक साल पहले गांव से यहाँ आई थी। हाँ तो उस वक्त जगदीप ने प्रीति के भाई देव की खूब पिटाई की
और आनंद फानंद में एकता की शादी कहीं और कर दी थी साहब। मैंने देव को पीटा था क्योंकि उसने मेरे बहन के साथ, एकता के पेट में देव का बच्चा पल रहा था सर, दोनों ने किसी को बिना बोले अबॉर्शन करवा लिया। अरे क्यों मार रहे हो इसे? इसने मेरे बहन के साथ। मैंने फौरन एकता को गांव भेज दिया और एक महीने के बाद उसकी अहमदाबाद में शादी करवा दी। लेकिन बदले की आग तेरे सीने में धड़कती रही। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब जगदीप ने ही किया है। उसके पास कई कारण थे प्रीति को जान से मारने के। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पास कारण थे। एकता के साथ अब भी टच में हो ना? हमने सब पता कर लिया है। जो भी करना जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। दोनों ही मर्डर्स के तार कहीं ना कहीं जगदीप से जुड़ रहे थे, लेकिन इन कमजोर कड़ियों के बल पर किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना यह पुलिस के लिए संभव नहीं था। क्या वाकई में इन दोनों वारदातों में कोई कनेक्शन था? लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा दे पाती, एक और जिंदगी पर मौत अपनी दस्तक दे चुकी थी। मर्डर का पैटर्न सेम है, पीठ पे गोली चलाई गई तो कार्ट्रिज भी मिसिंग है। हमने गोली की आवाज सुनी तो भागते हुए आए तो देखा श्रीधर भाई यहाँ पड़े हुए थे। तुम कैसे पहचानते हो इसे? सर वो क्या है ना सर जी, कुछ कमरे हैं इनके हमारे बस्ती में, अक्सर आया करते हैं भाड़ा लेने के लिए, आज भी आए थे। हाँ, फिर भाड़ा लेके चले गए। अच्छा जब तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी भाग के यहाँ आए तो किसी को देखा था यहाँ पे? हाँ साहब, एक औरत को भागते हुए देखा था। कौन थी वो? सर लाल साड़ी पहनी हुई थी पर ठीक से चेहरा नहीं देख पाया। तो श्रीधर मर्डर केस का भी सेम पैटर्न है, 0.9 mm की गोली से पीठ पे शूट किया गया है। मेहता पहली बार इन तीनों मर्डर्स में हमें किलर का कुछ क्लू मिला है, वो लाल साड़ी वाली औरत। मेहता वापी में जितनी भी 0.9 mm कैलिबर की गन के लाइसेंस इशू हुए हैं इन सबकी डिटेल्स लिखो, और जहां पर हमें श्रीधर की लाश मिली थी उसके आसपास के सभी CCTV फुटेज चेक करो। आई एम श्योर वो लाल साड़ी वाली औरत कहीं ना कहीं जरूर कैप्चर हुई होगी। जी सर। पर सर फिलहाल मीडिया इस केस को काफी उछाल रही। मेहता ये लाल साड़ी वाली औरत वाली बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो किलर अलर्ट हो सकता है। मुझे नहीं लगता किलर यहीं तक रुकेगा, वो इस वक्त अपने अगले शिकार की फिराक में होगा, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए हमें उसे दर्द पहुंचना होगा। इकता तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे इतना फ्रिक्वेंटली कॉल मत किया करो, पुलिस को अभी भी शक है मुझ पर। जल्दी ये सब सॉर्ट करो, मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगी। इकता सब सॉर्ट आउट हो चुका है, बस कुछ दिन और। सुनो दोबारा फोन मत करना मुझे, जब काम हो जाएगा तो आई विल कॉल यू। ओके सर। वापी में 9 mm कैलिबर के गन के टोटल 45 लाइसेंसेस सिविलियंस को इश्यू किए गए, सभी से बात हुई, एक के अलावा बाकी सभी के गन सेफ है। और ये गन किसके नाम पर है? किसी रमानंद नायक, 5 महीने पहले इसका गन चोरी हो गया था, चित्रानगर पुलिस स्टेशन में इसने कंप्लेंट भी लिखवाई है। गुड। हाँ जोशी बोल। क्या हाथ लगा? तो CCTV में एक झगड़ा कैप्चर हुआ है, मैंने अपने फोन में उसका फुटेज ले लिया, ये देखिए। सर ये जगह क्राइम सीन से 15 मिनट की दूरी पर है, उस लाल साड़ी वाली औरत का झगड़ा इस चाय वाले के साथ हुआ था। कौन थी वो औरत? औरत नहीं साहब, किन्नर था। किन्नर? जी सर किन्नर। पर मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों मर्डर्स इस लाल साड़ी वाली किन्नर ने ही किए हैं। श्रीधर के मर्डर स्पॉट से किन्नरों की बस्ती ज्यादा दूर नहीं है, एक काम करो मेहता उस इलाके के सभी किन्नरों को राउंड अप करो। मेरे जन्मदिन का इससे अच्छा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता, तेरे दी हुई लाल साड़ी
और तू दोनों मेरे पास है। आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी। देख, मैं तेरे लिए पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाएगी और तुझे मैं अपने हाथों से खिलाएगी। ले ले मुकुल, मुकुल कौन था तुम्हें से? कौन था तुम्हें से? किसने मारा है श्रीधर, प्रीति, अनिल को? देखो, जो कोई भी था तुम्हारी बिरादरी का था। जो भी सच है बोल दो, नहीं तो यहीं सड़ोगे सालों तक। साहब, हमने नहीं मारा साहब उसको, लेकिन साहब जैसा आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से जरूर उसको पद्मा ने मारा होगा। उसका उस दिन झगड़ा भी हुआ था श्रीधर से। श्रीधर भाई, पद्मा भाड़ू, मैं देती ना तेरे को अगले महीने तेरे चारों महीने का हिसाब पूरा कर देगी मैं, सच्ची में। पिछले चार महीने से पद्मा तू एक ही लाइन दोहरा रही है, पागल समझ के रखा है क्या? तू एक काम कर, मने चावी आप अने मारू घर खाली कर। अरे कैसा करेगा तो मैं किधर जाएगी फिर? श्रीधर भाई ऐसा नहीं करने का प्लीज। अरे नरक में जाएगा तू, नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुझ पे, छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। अरे क्या चिकने सेठ, पीसीओ समझा है क्या? दो रुपए देता है, अरे पांच रुपए तो दे। नहीं है। अरे कंजूस कहीं का, पांच रुपए देने में रो रहा है। पद्मा, तेरा ही नाम पद्मा है ना? हाँ साहब, नहीं पद्मा है। आने चल, साहब ने बुलाया, बात करनी है। अरे साहब, मेरा बोनी का टाइम है। आने चल, तेरी बोनी करवाते हैं, पकड़ो से। अरे साहब, पर साहब मेरे को बंदूक चलाना आता तो मैं ताली मार के लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाती। ड्रामा बंद कर पद्मा, कोई फायदा नहीं है। अब सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो चुका है, तू भी और तेरी लाल साड़ी भी दिखाओ। देख, साहब साहब, ये मैं नहीं है, मैं कहीं तो कोई किन्नर हो ही नहीं सकती, दावे से कहती है मैं। मतलब साहब, हम लोग का एक तरीका होता है साड़ी पहनने का, श्रृंगार करने का, तैयार होने का। इसको देखो ना साहब, कैसे लुंगी के माफिक साड़ी पहना है। ये साहब कोई हमारी बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई किन्नर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तो उस चाय वाले से पूछूंगी, क्या उसने वास्तव में किसी किन्नर को देखा था या फिर कोई आदमी था जो औरत के भेष में था, और अगर उसको उसकी शक्ल याद है तो स्केच बनवाओ। जी सर। मैं तो एक किलर हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, तीनों मर्डर्स के लिंक और सारे सस्पेक्ट को फिर से टटोलो। क्राइम सीन से 10 किलोमीटर के रेडियस के एक एक सीसीटीवी को चेक करो और अपने खबरी सोनू को बोलो कि तीनों विक्टिम के पास की एक एक डिटेल चाहिए मुझे। We can't miss anything this time. सुनो, इन तीनों विक्टिम्स के सारे राज खोद के निकाल, अपने सारे आदमी काम पे लगा दे, अपने पास टाइम कम है और काम ज्यादा। शक्ल याद है उसकी? थोड़ी बहुत याद है साहब। कैच बना सकेगा? कोशिश कर सकता हूँ। रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गली मोहल्ले, कूचे, हर जगह इसके पोस्टर्स लगवाओ। इस किन्नर का बेरुपये की खबर देने वाले के लिए 5,00,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर करो। अपने सारे खबरों को एक्टिव कर दो। क्लियर? यस सर। गो। सीरियल किलर किन्नर के बाद अब पुलिस उस बहरूपी की तलाश में जुट चुकी थी जिसने पिछले 3 महीनों से पुलिस की नाक में दम कर दिया था। बहरूपी की थ्योरी को एक शक्ल तो मिल गई थी, लेकिन पुलिस के लिए अब भी यह केस तलवार की धार पर चलने के बराबर थे। जैन सर, सर हमारे 4,000 पुलिस वाले दिन रात इस केस में लगे हुए, हमारे सारे खबरी भी लगे हुए। सर, इस केस को लेकर बहुत जल्द कोई बड़ी लीड हमारे हाथ लगी। यस सर, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। सर देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, प्लीज सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए। 1 हफ्ते में या तो खूनी हमारे लॉकअप में हो गया या मेरा इस्तीफा आपकी टेबल पर। सो मेहता, कुछ मिला? सर 3,000 घंटों का सीसीटीवी फुटेज स्कैन किया, कुछ नहीं। मेहता, हमें जल्द से जल्द इस कातिल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचाए।
आज रात तू मिलने को आ रहा है ना? चल माल निकाल। विशाल कुमार नाम है इसका। अहमदाबाद पुलिस को हमारे केसेस के अलर्ट भेजे थे तो उन्होंने इस केस के बारे में बताया। दो दिन पहले इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। सर इस केस में भी 0.9 mm कैलिबर के गन से शूट किया गया लेकिन यहाँ पर 3 गोलियाँ चलाई गई। और सर इस केस में भी बुलेट्स के कार्ट्रिजेस नहीं मिले। इसके अलावा हमारे केसेस से इसका कोई और कनेक्शन है? सर विशाल कुमार एक ज्वेलर था। नुकसान की वजह से इसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसके पास अचानक से बहुत पैसे आ गए थे और इसने एक महीने पहले गाड़ी भी खरीदी। अचानक से इतना पैसा कहाँ से आने लगा था इसके पास? सर अहमदाबाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये आदमी मार्केट में बिना बिल की ज्वेलरी बेचता था। बिना बिल की ज्वेलरी मतलब चोरी की ज्वेलरी? प्रीति भी ज्वेलरी शॉप से आ रही थी। अनिल के हाथ से ब्रेसलेट, श्रीधर के गले से चैन भी मिसिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विशाल इस सीरियल किलर का पार्टनर इन क्राइम था? तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पर ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच पैसों को लेकर ही झगड़ा हो गया और सीरियल किलर ने विशाल को मार दिया। सर अहमदाबाद से ये पैकेट आया है, वहाँ की पुलिस को ये रुमाल क्राइम स्पॉट पर मिला था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो ये खुशबू इकलिप्टिस के इत्र की हो सकता है। हरबड़ी में कातिल से रुमाल वहीं गिर गया हो। सर अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद की इत्र मार्केट में हर जगह पूछताछ की है कि ये इत्र कहाँ से और किसने खरीदा था लेकिन सर उनके हाथ कोई लीड नहीं लगा है। अहमदाबाद में सिर्फ एक मर्डर हुआ है, बाकी के 3 मर्डर यहाँ वापी में हुए। हो सकता है ये इत्र वापी से खरीदा गया हो। इस तरह की सभी दुकानें जहाँ पर ये मेडिसिनल या हर्बल इत्र मिलता है सबको स्कैन करो। आई एम श्योर इस कातिल का सुराग वहीं से मिलेगा। सर उस रुमाल पे जो इत्र लगा हुआ था वो किस दुकान से खरीदा गया ये पता चल गया और किसने खरीदा ये भी पता चल गया। जी कहिए। पता चला है कि पराग इत्र वाले से आप हर महीने यूकेलिप्टस का इत्र खरीदती हैं? हाँ लेकिन बात क्या है? किसके लिए? आपके लिए या दरवाजा क्या है? जी ये है मेरे हस्बैंड राजेश, इन्हीं के लिए मैं इतर खरीदती थी। क्यों मारा सबको? क्यों पैसों के लिए? पैसों के लिए साहब। गन कैसे चुराए? चोरी करने गया था साहब। गहनों के साथ गन भी मिल गई तो ले आया था। बाकी सबको गोले से मारा। अनिल को सर कुचल के क्यों मारा? एन मौके पर गन अटक गई थी। लोगों को लूटने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए, किन्नर बनने की वजह? ये आइडिया मुझे श्रीधर के वक्त आया। श्रीधर को मारने का इरादा नहीं था मेरा लेकिन पद्मा मेरे को बोली कि भाड़े के वास्ते श्रीधर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। अरे कैसा करेंगे तो मैं किधर जाएगी फिर? श्रीधर भाई ऐसा नहीं करने का। पद्मा के साथ क्या कनेक्शन है तेरा? प्यार करता है उससे? मैं नहीं, वो मुझे करते। मैं तेरे लिए पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई और तुझे मैं अपने हाथों से खिलाएगी। ले ले मुंह खोल, मुंह खोल। तेरी ऐश्वर्या राय को मार मार के बलवंत राय बना दिया। ए तू किधर जा रहा? तू तो मुझे नहीं छोड़ेगा ना, जिंदगी भर प्यार करेगा ना, बोल ना। मुझे तो बस अपनी किस्मत से प्यार है। पद्मा मेरे लिए लकी, जब से उससे जान पहचान हुई तब से आज तक कभी भी किसी भी चोरी में मैं पकड़ा नहीं गया। अब देखिए ना 3 मर्डर होने तक हम लोग भी मुझे कहाँ पकड़ पाए। अनिल के पास बीसी के पैसे थे, हाथ में सोने की ब्रेसलेट थी, श्रीधर के पास रेंट के पैसे थे, गले में सोने की चैन थी। अब प्रीति को क्यों मारा? उसके पास तो कुछ नहीं था। उसको मैंने ज्वेलरी की दुकान से निकलते देखा। मैं
शिकार की तलाश में था, नई नई गन हाथ लगी थी, सोचा क्यों ना इस्तेमाल करूं, इसलिए मैंने गोली चला दी थी। मैंने सोचा था उसके पास अच्छा खासा माल होगा, पर उसके पर्स में तो कुछ भी नहीं था, और जो ज्वेलरी उसने पहनी थी वो सब आर्टिफिशियल थी। और अहमदाबाद का वो विशाल, उसको क्यों मारा? वो तो पार्टनर था तेरा। विशाल के पास मेरा राज था, 5 लाख रुपए का इनाम था मुझ पर, और विशाल को इस बात की भनक पड़ गई थी कि सारे खून मैं ही कर रहा हूँ और उसे ज्वेलरी बेच रहा हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, मेरी भी हट गई साहब, मौका देखने लगा मैं, और जैसे ही मुझे मौका मिला डील का लालच देके उसको बुलाया और साले को मार दिया। लगता तो नहीं कि ये सारे मर्डर तूने सिर्फ पैसों के लिए किए। गरीबी क्या होती है साहब, आप लोग को नहीं पता। गरीबी? 11 साल का था मैं जब बाप मर गया था मेरा। अपने से छोटे 3 भाई बहनों का पाला है मैंने और खुद पढ़ाई की है। गरीबी की बात करता है, 13 से ज्यादा गरीबी देखी होगी मैंने, और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे और ना जाने कितनों ने। उन्होंने मर्डर किए, चोरी की। मर्डर करने के बाद कार्टेज उठा के ले जाता था, कहां से आया आइडिया तुझे? क्राइम शो देखकर। क्राइम शो देखकर तूने ये नहीं सीखा कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, पुलिस उस तक पहुंच जाती है। राजेश गाला सिर्फ पैसों के लिए लोगों की हत्याएं करता था, उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पुलिस को संदेह है कि राजेश इन चारों के अलावा और भी हत्याओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस राजेश से पूछताछ कर रही है और उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।